यूपी में सत्ता बदलते ही अधिकारियों का फेरबदल भी शुरू हो गया है रिटायर्ड होने के बाद भी सियासी पहुंच का लाभ उठाकर सपा सरकार में सेवा विस्तार पाए अट्ठावन अफसरों की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने छुट्टी कर दी है इनमें आजम खान के करीबी और काफी चर्चित अफसर श्री प्रकाश सिंह का नाम भी शामिल है जिन्हें चुनाव के दौरान अखिलेश सरकार ने दोबारा सेवा विस्तार दिया था आपको बता दें कि सपा सरकार में करीब छिहत्तर अफसर ऐसे थे जिन्हें सेवा विस्तार दिया गया था मुख्य सचिव राहुल भट्टर ने इन अफसरों के अलावा अठारह अधिकारियों का सेवा विस्तार जारी रखने का आदेश जारी किया है हटाए गए अधिकारियों की तैनाती सचिवालय सहित तमाम प्रमुख विभागों में की गई थी इन्हीं में से एक एसपी सिंह भी थे पिछले तीन साल से वह नगर विकास में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे उनकी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खान से करीबी के कारण ही विभाग में प्रमुख सचिव की तैनाती की गई थी इसके साथ ही उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी के अलावा सीएम कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी गंगा राम शिव प्रसाद राम सिंह मुन्नर राजपाल सिंह यादव और आनंद प्रकाश जोशी का सेवा विस्तार रद्द कर दिया गया है तो आजम खान के करीबी सहित अट्ठावन अधिकारियों पर नई सरकार की गाज गिरी है ये सभी अधिकारी पिछली सरकार में सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकार की कृपा से लाभ उठाकर अलग अलग विभागों में तैनात थे देखते रहिए डीबी लाइव